Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Spice of Life with Aksa. I hope कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरे चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छी सी ईद मना रहे होंगे। तो ईद के लिए हम स्पेशल सी मेहंदी लेकर आए हैं। हाथों की मेहंदी तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन पैरों पर लगी हुई मेहंदी और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप लोगों की स्क्रीन में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सी एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही फुल सी और बहुत ही इजी सी टिप्स मैं आप लोगों को आज मेहंदी की देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने एक बेल लग रही है, ठीक है, मेहंदी की, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि इसमें आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो सबसे पहले जो है वो ड्रॉ आपके सामने एक लाइन हुई है, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि स्मॉल सर्कल से बनाए गए हैं, देन फ्लावर्स बनाए गए हैं सिंपल, और देन इसके बाद ये कर्व इसके साथ अटैच किए जा रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर जस्ट डॉट अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरों की जो मेहंदी होती है उसमें ये बेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने ये बेल नहीं लगाई तो हमारे जो पैर का पूरा एक राउंड सर्कल होता है वो कवर नहीं होगा। तो ये लाइन ड्रॉ करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ हो जाती है तो इससे आप लोगों को एक सीक्वेंस मिल जाता है कि इस सीक्वेंस के साथ आपने अपनी बेल को अप्लाई करना है, या अपने फ्लावर्स को, या अपना जो भी डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इसको इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपकी जो बेल है वो पैरों की जो आपका सीक्वेंस होता है, आपकी एक जो कर्व आ रही होती है पैरों के साथ, वो आप उसके ऊपर बिल्कुल ख़राब लगेगी। अगर स्ट्रेट लगा देंगे तो आपकी खूबसूरती पैरों की बिल्कुल चली जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही बेल आपने अप्लाई करनी है उसके साथ ही एक लाइन ज़रूर अप्लाई करनी है जिसके ऊपर आपने अपना पूरा डिज़ाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने डिज़ाइन में फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं और सर्कल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत ही इजी वे मैं अप्लाई करते हुए बता रही हूँ कि मेहंदी हमें किस तरह अप्लाई करनी है। अब हमने क्या करना है, जो फ्लावर्स हमने साइड में बेल पे बनाए थे वही हम फिंगर्स पे अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन हम अपनी फिंगर्स पे भी अप्लाई करेंगे। पैरों की मेहंदी में जो दोनों साइड की हमारी बेल होगी वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी, और फिंगर्स के ऊपर भी वही फ्लावर अप्लाई होगा, वही फ्लावर हम बनाएंगे जो हमने पूरे साइड्स के बेल में बनाया हुआ होगा। और मिड का अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे हम कोई बंच बना रहे हैं या हम कोई बेल बना रहे हैं, तो वो उसमें भी फ्लावर के जो पेटल्स होंगे जो हमने अप्लाई किया हुआ होगा साइड्स में, वही हम उसके जो है वो सेंटर में भी अप्लाई करेंगे। फिंगर्स में भी यही होगा और साइड की बेल में भी यही होगा, और मिड में जो हम फ्लावर बनाएंगे अपना उसमें भी हम जो है वो वही वाला पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमने साइड्स की बेल में यूज़ किया हुआ होगा। तो ये एक बहुत ही ईजी सा टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता। अच्छा, ये मैं अपने खुद के पैर पर अप्लाई कर रही हूँ मेहंदी, तो मैंने वो अपना मोबाइल भी पकड़ा हुआ है और मैंने जो है वो आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को ऊपर नीचे डिज़ाइन लग रहा हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास स्टैंड लगाकर लगाने का टाइम नहीं था। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को जो है वो बता रही हूँ कि मैं अपने खुद के पैर पर अप्लाई कर रही हूँ, मोबाइल और मेहंदी दोनों इस वक्त काम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।